सिंगरौली में कोरोना की स्थिति को लेकर कोविड प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान सिंगरौली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात कही गई। कोविड प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने सिंगरौली के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के दौरान पटेल ने कहा कि सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव प्रदेश में दूसरे नंबर पर माना जा रहा है। इसको रोकने के लिए जनता कर्फ्यू का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक संक्रमण सामाजिक समारोह के दौरान एक दूसरे से फैलता है। ऐसी स्थिति में 15 मई तक शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। जिला चिकित्सालय में शीघ्र आरटीपीसीआर की मशीन कार्य हेतु सांसद विधायकों के द्वारा अनुदान राशि अपने अपने निधियों से दी गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार कोविड बेडों के साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सिंगरौली जिले की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, माने जो मध्य प्रदेश में टॉप में 5 जिले हैं उसमें सिंगरौली भी है। मैं ये कहूँ की 2 में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए पूर्णतः लॉकडाउन करने का हमारे जो कोरोना प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक न कोई शादी होगा, न कोई ब्याह होगा, न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और हम सभी मैंने ग्रामीण अंचल में भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड आपके बरगामा में, आपके देवसर में, आपके मोरबा में, आपके चितरंगी में और 3-4 जगह 8 जगह लगभग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना रहे हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, जिससे लोग मैंने 2 घंटा चल के यहाँ न आए, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है उनका वहीं उपचार हो जाएगा। इस तरह के निर्णय आज लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।